आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस टीवी में और मैं हूँ अंजुल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही अहम बात लेकर हाजिर हुए हैं और जिस बारे में आज हम आप सभी के सामने बात करने के लिए जुड़े हैं, ये मसला बेसिकली हमारे एक व्यूअर ने हमारे फेसबुक पेज के पेज पे जाके वहाँ डीएम करके हमें ये मैसेज बॉक्स में ये बात हम तक पहुँचाई। और ये जो मसला, जो बात जिन तस्वीरों के ज़रिए या कुछ फैक्ट्स के ज़रिए उन्होंने हम तक पहुंचाने की कोशिश की, वो बहुत ही एक गंभीर, एक सीरियस मसला है जिस पर जल्दी से जल्दी सबका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, वरना जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है। हम जिस मसले की बात कर रहे हैं, पहले आपको बताएं कि जो वो हमारे पास मैसेज आया था उसमें कुछ पिक्चर्स, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने वो भेजी हमारे साथ शेयर की। और मसला ये लिखा था कि जो डिग्री कॉलेज बेमिना वाला इलाका है उसके इर्द गिर्द, उसकी दीवार के आसपास पॉपुलस ट्रीज़ जो हैं, पॉपुलस के पेड़, वो वहाँ खड़े हैं और वो इस तरीके से खड़े हैं, इस तरह से झुके हुए हैं, उस पोजीशन में हैं जो कि वहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सारी बात यहाँ आप सभी के सामने रखने से पहले हम आपको चंद तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर हम आगे इस मसले पर बात करेंगे। जैसा कि आप दोस्तों इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पॉपुलस के पेड़ है ये काफ़ी लंबे हो चुके हैं और इतनी लंबाई के कारण ये झुकना शुरू हो चुके हैं, ये बेंड होने शुरू हो चुके हैं, ये एकदम टेढ़े से हो चुके हैं। अब जिस तरह का आंधी तूफान या मौसम जो है जिसका कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितनी तेज़ हवाएं चलेंगी, उसको देखते हुए ये बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा कर सकती है लोगों के लिए भी और गाड़ियों के लिए भी। आप जैसे देख सकते हैं कि जो ये पेड़ है इसके नीचे से बिजली के खंभे लगे हुए हैं, वो खड़े हैं इस पेड़ के नीचे, और हाई टेंशन वायर्स जो हैं, तेज़ बिजली के जिनमें झटके लगने के खतरे हो सकते हैं, वो तारे इस पेड़ के बिल्कुल नीचे हैं। और अब आप देखिए ये पूरा सिनेरियो ज़रा आप इमेजिन कीजिए, अगर ये पेड़ गिरता है तो इस पेड़ के गिरने से, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये इन गाड़ियों को किस हद तक का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप इन तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग इस पेड़ के नीचे के इलाके से, जहां से ये तारें भी गुजर रही हैं, वहां नीचे से आ जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या ये सोच सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता तूफान आ जाता है और ये पेड़ जो है टेढ़ा होते होते पूरा ही गिर जाता है सड़क पे, तो ये तारे भी साथ में चपेट में आएंगी और जो लोग इसके नीचे आ फंसेंगे वो देखते ही देखते जलकर राख खाक हो चुके होंगे। ये ना गाड़ियां बचेंगी ना इंसान बचेगा। दोस्तों, देखते ही देखते जो हादसा होगा वो आपकी और मेरी सोच से परे होगा। इसके अलावा आप अगर इन तारों को भी छोड़ें, 15 दिन पहले यहीं पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें ये बात सामने आई कि इन्हीं पॉपुलस झुके हुए पेड़ों के गिरने से जब तूफान आया था तो एक टाटा सूमो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि इन पेड़ों का अपना ही काफ़ी वजन होता है। अब ये एक इंसिडेंट देख लीजिए जहाँ पे आंधी तूफान आने से, एक पेड़ के गिरने से एक टाटा सूमो का इतना भारी नुकसान हुआ। अब ये देखते हुए चलिए कि अगर ये पॉपुलस के पेड़ अगर ये हाई टेंशन वायर्स के साथ मिलकर अगर सड़क पे आ गिरते हैं, और ऊपर वाला ना करे कि इसके नीचे अगर कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग इसकी चपेट में फंस जाते हैं, तो जिस तरह से हमने कहा जो हादसा होगा वो हम सबकी इमेजिनेशन से परे होगा। देखते ही देखते लोग जलकर राख हो जाएंगे, जो जान का नुकसान होगा वो भी होगा और साथ में माल का, गाड़ियों का, चाहे कुछ भी जो उसकी नीचे चपेट में आएगा, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। और ये सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करते हुए जो हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने ये सारा मसला हम तक हमारे फेसबुक मैसेंजर में मैसेज कर कर ये सारी बात हम तक पहुंचाई और हमसे अपील की और हमसे रिक्वेस्ट की, हमें ये कहना चाहिए कि हम यही सारी इमेजेस, ये सारी बातें आप तक पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं कि जितना जल्दी हो सके इस मसले को कंसिडर करें और जितना जल्दी हो सके या तो इन पेड़ों को अपरूट करके किसी दूर जगह पे इन्हें प्लांट किया जाए, नहीं तो इन्हें काट दिया जाए। वरना हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और इसी को टालने के लिए ये लोकल
लोगों की भी एक पहल है, एक अपील है जो वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब इन्हीं लोगों की बात को, इनकी आवाज़ को प्लेटफॉर्म देते हुए QNSTV भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता है कि और समय ना गवाएं। जो 15 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें सिर्फ एक टाटा सूमो चकनाचूर हुई थी, ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसके अंदर कोई इंसान, कोई लोग नहीं बैठे हुए थे। अब इससे पहले कोई एक बड़ा हादसा हो जहां हमें फिर ये रिपोर्ट बतानी पड़े कि तूफान आने से पेड़ गिरा और इस तरह से लोगों की जाने गई, ये वाकई में बहुत ही दुखद होगा, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है ये अवॉइडेबल है, इसको टाला जा सकता है अगर समय रहते इस पर कार्यवाही की जाए तो। इसीलिए हम भी बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जो तस्वीरें हम आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं इन्हें देखें, इनकी सीरियसनेस को समझें। जो ये तारे हैं, जो ये पेड़ है झुकते हुए, ये बहुत ही बड़ा मसला, बहुत ही सीरियस इशू बनकर सामने आ सकता है। इससे पहले कि एक सनसनीखेज खबर की तरह सामने आए जहां कुछ लोग अपने परिवारजनों को खो बैठे या अपने सामान की नुकसान करवा बैठे, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि लोगों की आवाज़ को सुने, जल्द से जल्द कदम उठाएं, या तो जैसे हम कह चुके हैं कि या तो इन पेड़ को अपलोड करके कहीं और प्लांट करें या इन्हें काट दें। एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न डिपार्टमेंट से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है इस एक बड़े इशू का, वो जल्द से जल्द निकालें और किसी बड़े से बड़े हादसे को होने से रोकें। दोस्तों फिलहाल हमारे इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और ऐसे ही मसले के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। बाय बाय।